अब रुख हिमाचल का करते हैं। हिमाचल प्रदेश की फिजा में अब सियासी हवा चलने लगी है। बीजेपी ने ऊना में माफिया राज हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान के तहत प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला और वीरभद्र सरकार पर माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ये हिमाचल बीजेपी के माफिया राज हटाओ हिमाचल प्रदेश बचाओ अभियान की तस्वीर है। सूबे में इस बार बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी के निशाने पर वीरभद्र सरकार है। ऊना के गगरेट हलके में ड्रग्स के खिलाफ हुई बीजेपी की इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मौजूदा कांग्रेस सरकार पर माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे बंद माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, करण माफिया हो, शराब माफिया हो, हर माफिया को मुद्दा बनाएगा और कांग्रेस को ही मुद्दा ठहराएगा। धूमल का कहना है कि इस बार की विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस को सत्ता से बाहर धकेल देगी। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी धूमल को जवाब दिया गया। कांग्रेस ने बीजेपी की इस रैली को पूरी तरह से विफल बताया है। लोग समझदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन बातों का कोई असर लोगों पे नहीं होगा। हाँ, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो नारे लगाएंगे, वो नारे पहले भी लगाते हैं, अखबारों में भी जाते हैं और मीडिया में भी ऐसी बात करते हैं, लेकिन आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और ये इनकी रैली फेल होगी। सूबे में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा पहाड़ों में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अभी से ही जोर आजमाइश शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हुई बीजेपी क्या इस बार सत्ता में वापसी कर पाएगी? राकेश मलही, जी मीडिया, ऊना।